हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखें। अल्लाह पाक हर किसी की जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आमीन। तो गाइस, आज मैं बनाने लगी हूँ हरी प्याज वाले आलू। ये बड़े ही टेस्टी बनते हैं हरी प्याज वाले आलू, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए हमें ये सामान चाहिए जिसमें हरी मिर्च हैं, एक टमाटर और आधा किलो आलू, और ये दो हरी प्याज हैं। तो चले मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने सामान सारा कटिंग कर लिया है। अब हंडिया की तरफ देखिए, मैं हंडिया में डालती हूँ। ये मैंने लिया सरसों का ऑयल, इसको मैंने सही से गरम करके ठंडा कर लिया है, थोड़ा सा नॉर्मल। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। वही हंडिया पी रखी है, अब जीरा डालते ही मैं इसमें डाल देती हूँ ये ग्रीन प्याज। दिख रहा है ये प्याज? ये डाल दिया हमने इसमें ग्रीन प्याज, और इसको थोड़ा सा हम मिलाएंगे। तो ये देखिए गाइस, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। ये देखें, उससे प्याज जल्दी से हो जाएगा ये सही। और सुनाए आप सब कैसे हैं, सर्दियां कैसी गुजर रही हैं सबकी? ये देखेंगे, डाल दिए हमने इसमें नमक, और अब हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे एक टमाटर जो मैंने कटिंग किया था। ये देखें, और साथ ही हम डाल देंगे ये हरी मिर्चें जो मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्चें कटिंग की थी, इसको भी मैं साथ ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे टमाटर गलने वाले हो रहे हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, जिसे मैंने घर में ग्रेंडर किया है। ये डालें, थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें कश्मीरी मिर्चें जो मैं हर सालन में डालती हूँ, आप देखते हैं। और गाइस, इसके बाद डालने वाले हैं हम तकरीबन 1/2 स्पून जो है ये लाल मिर्ची, और इसको डालकर हम थोड़ा सा करेंगे इसमें पानी ऐड। और अब हम इसको इतना भूनेंगे कि इसके जो टमाटर हैं सही से गल जाएं। ये देखें, अगर हम पानी नहीं डालते ये चीज़ें जल जाती। और हरी मिर्ची खुशबू, ये जो हरी प्याज डाली है इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है ना। हरा प्याज वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, हरा प्याज, हरा लहसुन। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो मैंने आलू आधा किलो कटिंग किए थे, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, और इसके साथ हम इसकी भुनाई करेंगे, इस तरह आलूओं में भी टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो देखिए गाइस, ये हंडिया भुन चुकी है मेरी 2 से 4 मिनट में, और आज इसको वीडियो को बनाने में मेरा बेटा मेरे कर रहा है हेल्प। आज मेरे बेटे ने मोबाइल पकड़ा हुआ, मामा आज मैं बनाता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। हेलो गाइस, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं ये रहा। मैंने कहा चलो मम्मा मैं आज आपकी हेल्प करता हूँ, मैंने कहा ओके। तो ये देखिए, ये हो चुकी है अच्छे से भुनाई। अब हम इसमें कर देंगे 1 गिलास पानी ऐड, बस इतना। तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो अब हम इसको लगा देंगे प्रेशर, फिर हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, वीडियो बनी नहीं थी, मैंने इसमें ऐड कर दिया था। ये देख सकते हैं स्पून में लगा हुआ है गरम मसाला और साथ हरा धनिया। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत दिखने में ही बहुत मज़े के लग रहे हैं। आप ऐसे हरी प्याज वाले, हरा लहसुन हो तो उसके ऐसे आलू बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। और आप प्लीज़ बनाइएगा तो मुझे बताइएगा कैसे बने।
और गाइस इसके साथ प्लीज़ प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे आप सब्सक्राइब करें जो भी देख रहा है। और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बाय।